नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास जो मेजर हेडिंग है वो है फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सेकंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस LTP बोलते हैं जिसे हम, एंड थर्ड इज अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। अब नॉन करंट लायबिलिटी को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो यहां पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, ये दो चीजें दिखती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन विच इज यूज इन रेशियोज। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लॉन्ग टर्म डेट। तो कभी आपसे कोई पूछता है लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्लियर है ये बात? थर्ड, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लायबिलिटीज। एंड थर्ड इज ट्रेड पेबल्स। फोर्थ, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स। अच्छा एक मिनट, एक चीज रहेगी, जब भी आपको टोटल लाइबिलिटीज निकालनी है, इन दैट केस आप शेयर होल्डर्स फंड को ऐड करेंगे प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। ओके, क्लियर है? लेकिन याद रहे, जब आप बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर्स फंड दिखाते हैं ना, तो ये फिक्टिशियस एसेट वाला पार्ट नहीं लेना आप। ठीक है, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, ये वहां पर फिक्टिशियस एसेट माइनस नहीं होता। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर, दैट इज नॉन करंट एसेट्स।